92.7 बिग एफएम पर। मामू बनाई वो। हेलो शिल्पी मैडम। हाँ जी बोलिए। नमस्कार, जैनिल का पापा बोल रहा हूँ। बोलिए। जैनिल है ना, सुबह से रो रहा है। रो रहा है? हाँ, वो बोलता है शिल्पी मैडम हमेशा मुझे मारते हैं, डांटते हैं बहुत। उसे तो मैंने छुआ भी नहीं है, क्या बोल रहा है वो? कब से बोल रहा है मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, मैडम मुझे हर बार डांटते हैं, हर बार मुझ पे चिल्लाते हैं। जैनिल का तो मुझे पता है कि वो बहुत इमोशनल है, फिर भी मैं उसको तो बिल्कुल भी नहीं डांटती हूँ। इमोशनल है इसीलिए तो आपने उनको डांटा है, मारना थोड़ी जाता है बच्चे को, बच्चे को तो प्यार किया जाता है। अरे मैंने उसको छुआ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। मैडम ये बच्चा थोड़ी ना झूठ बोल रहा है। क्यों कर रहा है? अब उसको बोल दो मैं उससे भी बात कर लेती हूँ। मैं उससे रेगुलर बात करती हूँ, वो प्रवीणा मैडम के पास जाता है, मेरी और प्रवीणा मैडम की बात होती है कि वो क्या है, उसका क्या प्रॉब्लम है, दोनों लोग आपस में बात करते हैं। कुछ मैं पढ़ाती हूँ तो उसको बोलती हूँ ये उसको रिवाइज करा देना, और आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं उसको मारती हूँ। हाँ इसीलिए अभी अभी मैं अभी बोल रहा हूँ ना, बात करो मैडम से, तो वो डर रहा है, भाग रहा है, कितना कांप रहा है बच्चा। हाँ तो ऐसा क्यों कर रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आया। आपने उसको आपने उसको डांटा होगा तभी ना? उससे मैंने छुआ नहीं, उसका तो मुझे कन्फर्म याद है क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत इमोशनल है। पर मैडम इतना भी थोड़ी डांटना चाहिए छोटे बच्चे को। मैंने उसे बोला ही नहीं, आप बराबर मेरे पर ब्लेम किए जा रहे हो। मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं, अगर मैंने उसको कुछ भी बोला होता तो मैं आपको बोलती। ऐसा नहीं है मैं उस बच्चे को डांटती हूँ तो माँ आपको बताती भी मैंने क्यों डांटा, क्या किया उसको। अरे बच्चे तो उससे बात ही नहीं की, खुद बोल रहा है। क्यों बोल रहा है वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट मिनट, आप उसकी मैडम से बात करो ना। जस्ट मिनट बेटा, क्या हुआ, किसने मारा? आप जैनल को दो, आप फोन दो। नहीं, नहीं, नहीं। क्या उसे पूछे मैंने से, उसने क्या किया था जो मैंने उसको मारा, क्या बोल रहा है वो? जस्ट मिनट, हाँ। मुझे नहीं पता आपके लड़के को हो क्या गया है, बोलिए बोलिए। पर वो इतना बोल रहा है मैडम, हर बार मुझ पे चिल्लाते हैं, मुझे बहुत डांटते हैं। वो तो मुझसे आगे सब बताता है कि एक मिनट, मैं इसको दे रहा हूँ, इसको फोन दे रहा हूँ। जैनल बेटा, क्या बेटा, मैंने आज आपको कहा कुछ कहा? आपने तो आज मुझे डांटा। मैंने डांटा था? तुमने क्या कहा था जो मैंने तुम्हें डांटा, बताओ? आज आपने मुझे डांटा तो था। हाँ क्यों डांटा था बताओ, ये तो बताओ। मुझे नहीं पता। अरे मैंने तुम्हें डांटा क्यों, डांटा ये तो बताओ। तुम नोटबुक लेके आए थे तब डांटा था? नहीं, आज आप मुझे आपने 3 दिन पहले भी डांटा था। हाँ क्यों डांटा था बताओ तो। ठीक है मैंने डांटा था माना, क्यों डांटा था आप ये तो बताओ मुझे। आज तो मैंने आपकी नोटबुक देखी थी, देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं, आप मुझे डांटते हो, दूसरे बच्चे को नहीं डांटते आप कभी। किस तरीके की बात कर रहे हो जैनिल? अच्छा ये बताओ जैनिल, मैंने तुम्हें मारा कभी? हाँ मारा। कब मारा, कब मारा? कल ही मारा आपने। कल मारा बेटा? क्या बोल रहे हो? सच्ची में? हाई बेटा क्यों मारा था ये बताओ, मैंने क्यों मारा बताओ। नहीं वो नहीं पता। वो कैसे नहीं पता, जब आपको ये पता है कि मैंने मारा है तो कोई तो कारण होगा ना, मैंने किसी भी बात पे तो मारा होगा। नहीं आप मुझ पे मैं, ना मैंने आपको छुआ नहीं बेटा, आप कैसे सोच रहे हो इस बात को? मैं पापा को दे। हाँ देखो ना मैडम। हाँ मैं सुन रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ कि आप मैंने आपको मारा? बोला हाँ मारा। मैंने कहा अच्छा बताओ बेटा मैंने आपको क्यों मारा। नहीं बच्चे तो झूठ नहीं बोलते ना। नहीं पता, वही मैं कह रही हूँ कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे भी नहीं पता। शिल्पी मैम 92.7 बिग एफएम रेडियो से विनोद बोल रहा हूँ और आपका मामू बनाया गया है। हाँ जी बोलिए। मुझे ये बताइए कि आपने जैनिल को क्यों मारा? अरे मैंने उसको छुआ भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। हाँ मामू बनाई वो। બસ તો આવી રીતે અવિરત લાફ્ટરના ડોઝ માટે સબસ્ક્રાઇબ કરો ચેનલ મામુ ફેમ વિનોદ ભારુશાલી, સાથે બેલનું બટન દબાવજો એટલે જ્યારે નવા મામુ અપલોડ કરીશ તમને એક નોટિફિકેશન મળી જશે। તમને મામુ કેવા લાગી રહ્યા છે એ કોમેન્ટમાં તમે લખી શકો છો અને તમારા મિત્રો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને શેર પણ કરી શકો છો। થેન્ક યુ।